पाकिस्तान के दुष्प्रचार पर यूएन में भारत का प्रहार। राइट टू रिप्लाई में भारत ने कह दिया कि पाकिस्तानी आतंकी ढांचा बंद करें, अपना भारतीय क्षेत्र खाली कर दें और अल्पसंख्यकों पर दमन न करें। खालिस्तान आतंकी निज्जर की हत्या पर नहीं थम रहा है कनाडा के पीएम ट्रूडो का दुष्प्रचार, फिर से कह दिया कि आरोप की जांच में भारत सहयोग करे। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर अलापा कश्मीर का राग, जनमत संग्रह की उठाई मांग, 9,00,000 सैनिकों की तैनाती का लगाया झूठा आरोप। पीएम मोदी का आज वाराणसी का दौरा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की रखेंगे आधारशिला, सचिन गावस्कर भी मौजूद रहेंगे, 1500 करोड़ के प्रोजेक्ट की देंगे सौगात। G20 समिट के कामयाब आयोजन के जरिए पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना, कॉमनवेल्थ गेम्स में हुए भ्रष्टाचार से बदनाम हुआ था देश। आज राजस्थान के दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी, जयपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित, गांधी वाटिका करेंगे उद्घाटन। दिल्ली में आज एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की पहली बैठक है, एक साथ चुनाव के रोड मैप पर चर्चा होगी, गृह मंत्री अमित शाह, कानून मंत्री होंगे शामिल। चांद की सतह पर मौजूद चंद्रयान 3 के विक्रम और प्रज्ञान को फिर से जगाने की कोशिश की जाएगी, इसरो ने बताया कि संपर्क स्थापित करने के प्रयास हो रहे हैं। नागपुर में भारी बरसात से जलजमाव है, तस्वीरें आपके सामने, डूबी हुई गाड़ियां, बसेस, रस्सी के सहारे लोग मदद कर रहे हैं एक दूसरे की बाहर निकलने में। अब आपको दिखाते हैं राज्यों से जुड़ी टॉप 9 बड़ी खबरें। आज मणिपुर के पश्चिम और पूर्व इंफाल में कर्फ्यू, सुरक्षा के लिहाज से लगाया गया कर्फ्यू। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के आज आएंगे नतीजे, एबीवीपी ने चारों पदों पर जीत का किया दावा, कॉलेजों के पैनल के चुनाव में एबीवीपी को मिली जबरदस्त जीत। आज मुंबई में लाल बाग चौराहे राजा के दर्शन करेंगे गृहमंत्री अमित शाह, दोपहर 3:30 बजे करेंगे दर्शन। राधाष्टमी के मौके पर बरसाना में जश्न का माहौल, राधा रानी के मंदिर को बेहद खूबसूरती से सजाया गया, भक्ति में लीन दिखे भक्त। सनातन विवाद पर बोले योग गुरु स्वामी रामदेव, कहा सनातन को खत्म करने की बात करने वाले का 2024 के चुनाव में मोक्ष हो जाएगा। जम्मू में पहली बार मेगा एयर शो का हुआ आयोजन, जवानों ने दिखाए कर्तव्य, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि के तौर पर रहे मौजूद। यूपी में फुल पैंट शर्ट पहनकर आएंगे प्राइमरी स्कूल के छात्र, वायरल बीमारियों से बचने के लिए सीएम योगी ने जारी किया निर्देश। और क्राइम की खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं विदेश की टॉप 9 बड़ी खबरें। अमेरिका में तूफान ओफेलिया का दिखने लगा असर, तेज हवा के साथ भारी बारिश, कई शहरों में अलर्ट जारी। यूक्रेन ने क्रीमिया बंदरगाह पर किया मिसाइल अटैक, रूसी नौसेना मुख्यालय को बनाया निशाना, सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच एक बार फिर बढ़ा तनाव, इसराइल ने गाजा पर किया ड्रोन से हमला, वीडियो आया सामने। यूक्रेन की दोनेस्क में रूस के हवाई हमले से कई इमारतें तबाह, यूक्रेन का दावा 15 नागरिक हुए घायल। इटली के सिसिली आइलैंड के जंगलों में लगी भीषण आग, भीषण गर्मी की वजह से लगी आग, तेज हवा की वजह से फैली आग। ताइवान के पिंगटोंग में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, एक शख्स की मौत, 10 लोग लापता, लगभग 100 लोग घायल। कोलंबिया के जंगलों में लगी आग, दमकल विभाग ने 10 घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू। ईरान की संसद में हिजाब के नियम होंगे सख्त, संसद ने बिल पेश, उल्लंघन करने पर महिलाओं के लिए जुर्माना और जेल की सजा बढ़ेगी। आर्मेनिया के येरेवन में सड़कों पर लोगों का प्रदर्शन जारी, कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। और नौ के न्यूज में रफ्तार के साथ बिजनेस की टॉप 9 खबरें। शुक्रवार को लगातार 4वें दिन गिरा शेयर बाजार, सेंसेक्स 221 अंक की गिरावट के साथ 66,009 पर क्लोज हुआ। Hyundai Motor India ने भारत में i20 N लाइन फेसलिफ्ट को किया लॉन्च, 35 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स किए गए ऐड। कैसीनो कंपनी डेल्टा कॉप को झटका लगा है, GST महानिदेशालय ने थमाया 11,147 करोड़ का नोटिस। SBI को काम आई चॉकलेट स्ट्रैटेजी, कर्जदारों ने चुकाए 2 करोड़ रुपए, बैंक ने समय पर EMI नहीं देने वालों के घर भेजी थी चॉकलेट्स।
शेयर बाजार में लगातार गिरावट का दौर जारी। कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ। अमेरिका में भारतीय निर्यात की हिस्सेदारी में लगातार आ रही बढ़ोतरी, 44% बढ़ा निर्यात। चीन की हिस्सेदारी अमेरिकी बाजार में घट गई है। भारत में नए आईफोन 15 की सेल जारी। मुंबई में स्टोर्स के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें। फ्लक्स इंडस्ट्रीज के ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे, 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कर चोरी के आरोप है इस इंडस्ट्री पर। वित्त मंत्रालय ने आरबीआई के आंकड़ों को खारिज कर दिया, कहा कि घरेलू बचत में कोई गिरावट नहीं, कर्ज लेकर आवास से संपत्तियां खरीद रहे लोग।